हेलो व्यूवर्स, तो एमसीबी ने भी अपने नए प्रॉफर रेट्स जो कि मई 2023 से लागू हो चुके हैं और आपकी स्क्रीन पे भी आ चुके हैं। आपको इस पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इन प्रॉफर रेट्स को खुद भी देख सकते हैं। और मैं भी आपको बता देता हूं कि पीएलएस सेविंग अकाउंट के ऊपर पहले मुनाफा 18.5% था, अब 19.5% है। खुशहाली बचत पर पहले 18.5% था, अब 19.5% है। PLS सेविंग के ऊपर पहले 18.5 था, अब 19.5 है। उसके बाद सेविंग 365 गोल्ड के ऊपर पहले 18.5% था, अब 19.5% है। इसी तरह PLS सेविंग एक्स्ट्रा के ऊपर पहले 18.5 था, अब 19.5 है। उसके बाद MCB स्मार्ट के ऊपर पहले 18.5 था, अब 19.5 है। उसके बाद MCB सेविंग मैक्सिमाइजर अकाउंट के ऊपर पहले 18.5 था, अब 19.5% है। उसके बाद MCB सैलरी गोल्ड अकाउंट के ऊपर पहले 18.5, अब 19.5 है। इसी तरह बिल तरतीब MCB इनहेंस सेविंग अकाउंट, फन क्लब अकाउंट, रुपीस मैक्सिमाइजर, पेंशनर सेविंग अकाउंट और MCB सीनियर सिटीजन अकाउंट, इन सब का मुनाफा पहले 18.5% था, अब 19.5% है। MCB आसान, MCB रोशन डिजिटल अकाउंट, आसान डिजिटल सेविंग अकाउंट, फ्रीलांसर डिजिटल पाकिस्तान सेविंग अकाउंट, आसान डिजिटल रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, यंग सेविंग अकाउंट, लेडीज सेविंग अकाउंट, इन सब के पहले 18.5% थे, अब 19% प्रॉफिट इनका बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जी आ जाते हैं इनकी टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, जो कि 1 मंथ के ऊपर पहले जो है वो 14% था, अब 15% हो चुका है। इसी तरह 2 मंथ के ऊपर पहले 14% था, अब 15% है। इनके अफेक्टिव रेट्स कुछ ज़्यादा हैं। सिंपल और इफ़ेक्टिव में अगर आपको फ़र्क नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट रेट कौन सा होता है और अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कौन सा होता है। वैसे तो MCB की टर्म डिपॉजिट के ऊपर जो प्रॉफिट रेट वो बता रहे हैं, कोई खास अच्छा प्रॉफिट नहीं है। इससे दूसरे बैंक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, तो इसके बजाय ये दूसरे इनके सेविंग अकाउंट्स हैं वो बेहतर हैं। टर्म डिपॉजिट के अंदर कोई खास इन्होंने मुनाफा इनका अच्छा नहीं चल रहा है, बनिस्बत दूसरे बैंक्स के ये काफ़ी पीछे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।